हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीता वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छे स्टिकर जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वॉलपेपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और जो है स्टिकर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप उसे किसी भी तरह की वॉल पर लगा सकते हैं और मैं आज आपके उसके बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसको कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं और आप इसे कहाँ से ख़रीदें, आपको सस्ते में कहाँ से आपको ये मिल जाएगा, तो आपको मैं सारी डिटेल्स दूंगी। और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, कहीं से स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको आधी चीज़ें समझ में आती हैं और आधी नहीं आती हैं। तो आपने वॉलपेपर वाले वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया है, तो प्लीज़ मेरे रेसिपीज़ को और मेरे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ को आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको टाइम पे मिल पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टिकर की। तो फ्रेंड्स, जो स्टिकर होते हैं आप इस तरह की वॉल पे भी लगा सकते हैं। तो ये है वॉलपेपर, इसका मैंने वीडियो भी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है। अगर आपने नहीं उसको देखा है तो आप उसको आई बटन में भी ऊपर देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, या फिर हम जो नॉर्मल हमारे घर में इस तरह की जो दीवारें होती हैं आप उस पर भी उनको जो है क्या नाम है लगा सकते हैं। कोई भी पेंट हो, बस वो उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई सीलन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर वो नहीं रुकेगा। तो वॉलपेपर अभी तो बहुत सारे ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, उसके साथ साथ ही है जो स्टिकर आ रखे हैं, आप अपने घर के नए रेनोवेशन कर सकते हैं दिवाली पर, या फिर अपने घर को एक नया लुक देना चाहते हैं तो आप बहुत ही सस्ते में अपने घर को सजा सकते हैं। तो चलिए, जहाँ पे मैंने अपना स्टिकर लगाया हुआ है, मैंने अपने घर में दो तीन जगह स्टिकर लगाए हुए हैं, तो मैं एक स्टिकर है जो आपको दिखाऊंगी और बाकी के स्टिकरों की कुछ क्लिपिंग दिखाऊंगी आपको। और अगर आपको स्टिकर खरीदना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप उसे लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात मैं ये बता देती हूँ कि जो प्राइस की आप लोग बात करते हैं, तो प्राइस का फ्रेंड्स ऐसा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का हमारा वॉलपेपर, जैसे आपने पहले पूछा था कि मैडम आपने सस्ता कैसे खरीद लिया, ये महंगा था, तो देखिए मेरा जो खरीदने का ऑनलाइन शॉपिंग है वो ये है कि मैं जब भी कोई शॉपिंग करनी होती है मुझे, तो मैं सेल आती है तभी करती हूँ। मैं उसके रेट हैं जो बीच बीच में चेक करती रहती हूँ और जब उसके रेट मुझे ठीक ठाक मिल जाते हैं तब मैं उसे ऑर्डर करती हूँ। और सबसे बात मेन, जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैं एक चीज़ का जरूर ध्यान रखती हूँ, मैं हमेशा स्टार के ऊपर ही अपनी शॉपिंग करती हूँ, जिसमें फाइव तक या फिर फोर स्टार, फाइव स्टार इस तरह की मैं शॉपिंग करती हूँ। 3.9 से लेकर मैं उससे ऊपर वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मैं अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं वो खरीद लेती हूँ जो मैं खरीदना चाहती हूँ। लेकिन अगर उससे नीचे वाले स्टार होते हैं, जैसे 3.7 हो गया, 3.6 हो गया, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वो है जो जो भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप उसे परचेस ना करें। वो आपको मे भी पसंद नहीं आएगा, उसमें कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, क्वालिटी पसंद नहीं आ सकती, कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कुछ खरीद चुके होते हैं, तो वो जो अपना एक्सपीरियंस होता है जो वो शेयर करते हैं और उससे हमें अपनी शॉपिंग को अच्छा करने में मदद मिलती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब भी आप शॉपिंग करें तो 3.9 से लेकर आप उससे ऊपर वाले जितने भी स्टार होते हैं 5 स्टार तक, तो आप उसके बीच में शॉपिंग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्टार होगा आपका प्रोडक्ट, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा आपको मिलेगा और आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना स्टिकर है जो कहाँ पे लगाया है, और स्टिकर के प्राइस भी डिफरेंट हो सकते हैं। आप ये मत भूलिएगा कि ये तो अभी इतना सस्ता नहीं, ये तो महंगा हो गया है। तो भाई अभी तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जो प्रोडक्ट होते हैं कभी महंगे हो जाते हैं, कभी सस्ते हो जाते हैं, ऑनलाइन में तो यही चलता है। लेकिन मार्केट में आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो प्राइस भी हैं जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना है जो स्टिकर लगाया हुआ है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है, दीवार को एक बहुत ही सुंदर सा लुक दे रहा है। और जब भी आप इसको ऑर्डर करें तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपकी जो दीवार का कलर है और जो स्टिकर का कलर है उसको एक बार आप कॉम्बिनेशन कर लें कि भाई इस पे अगर हम वो इस तरह का स्टिकर लगाएंगे तो वो पूरी तरीके से उभर कर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी एक स्टिकर और मंगाया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो जो दीवार की कलर था और जो स्टिकर का कलर था वो दोनों एकदम मैच से हो गए और उसमें जो कलर प्रॉपर जो उसका कलर था वो दिखा ही नहीं, तो वो पूरा एकदम ब्लैकिश जैसा हो गया था, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इसलिए आप उसको एक बार ऑर्डर करते समय
इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आता है, पीसेस में आएगा, पूरा एक नहीं आएगा कि भाई पूरा एक आया हुआ है, ऐसा नहीं है, सारे चीज़ सिंगल सिंगल पीस में आते हैं और आपको इसे लगाना होता है। तो ये भी पूरा कई सारे पीसेस में आया था, ये छोटा वाला हिस्सा, और जैसे मैं इसको अभी पास से दिखाऊंगी तब आपको दिखेगा, इतने दूर से या फिर नॉर्मल अगर जैसे आप देखोगे तो ऐसे नहीं दिखेंगे इसके जॉइंट, क्योंकि ये जो पेंट या जो जो पेंटिंग हो रखी है वो एक पॉलिथीन जैसी होती है उसके ऊपर हो रखी है, और बहुत ही सुंदर और कलर एकदम ब्राइट, ना तो इसमें कोई फेड होने का डर है ना ही इसमें कुछ, बहुत ही सुंदर क्लीन लगता है एकदम। और जब दीवार पे आप लगा देते हो तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपने स्टिकर लगाया हो, ऐसा लगता है कि भाई आपने पेंटिंग करवाई हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है। और देखिए इसका कुछ डेमो पीस इसके साथ ऐसा आता है, और देखिए इसमें जो नंबरिंग लिखी हुई है, तो ये जैसे 6 लिखा हो तो ये हिस्सा अलग आया है, 1 लिखा हुआ है ये छोटा हिस्सा अलग आया है, तो इस तरीके से ये अलग अलग हिस्सों में आते हैं। तो इससे फूल पत्तियां हो गई, ये सारे अलग अलग पीस में आए थे, तो उनको आप नॉर्मल जैसे स्टिकर लगाते हैं बस नंबर वाइज लगाते जाइए, पहले 1 लगाइए, 2, फिर 3, 4, 5, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो यहाँ पे जॉइंट है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इतने अच्छे से, क्योंकि कैमरा एकदम पास है, फिर भी आप तो आप देखिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आपको दिखेगा कि कुछ लगाया हुआ है, और कलर हर चीज़ एकदम बिल्कुल उभर कर आ रही है। और ये है एक्स्ट्रा लार्ज, तो इसका साइज़ है जो थोड़ा बड़ा है, मीडियम साइज़, और इसमें बहुत सारी वैरायटी है आपको मिल जाएंगी, मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसे चूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, पास से दूर से मैंने आपको हर तरीके से हर एंगल से दिखा दिया है, और भी एक दो स्टिकर हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एक ये वाला भी मैंने मंगाया था, तो सबके साथ एक डेमो पीस आता है और सब में नंबरिंग लिखी होती है सब कुछ, तो मैंने छोटा जो एक पीस था वो मैंने ऐसे लगा दिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ वो इस तरह का आएगा। तो देखिए जैसे ये रेड पे, तो देखो ये जैसे पिंक पे मैंने लगाया हुआ तो इतना क्लीन नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे पिंक कलर है ये, यहाँ पे पिंक पेंट हो रखा है और इसके ऊपर मैंने इसको लगा रखा है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये येलो के ऊपर लग रहा है, और इतना ही अच्छा हो सकता है ये वाइट जिसने पेंट करवा रखा हो उसके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छे से अच्छा लगेगा। तो ये वाला स्टिकर मैं आपको बता रही थी, ये वाला स्टिकर है जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये बहुत ही सस्ता था, आई थिंक 80 का या फिर 70 का मैंने ऐसे ही मंगाए थे, और इसमें ये अलग अलग पीसेस आए थे बस ये। तो जब ये मैंने मंगाया था तो मैंने इसको ग्रीन दीवार पर लगाया हुआ है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, तो वहाँ पे जो है रेड वाला तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, आप वॉलपेपर के ऊपर इन्हें लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये है मेरा पेंट, ग्रीन कलर का है, और थोड़ा कैमरे की वजह से थोड़ा सा ये दिख अलग थोड़ा दिख रहा है, तो इस पे जब मैंने लगाया, ब्लैक और रेड है लेकिन ब्लैक तो ब्लैक ही दिख रहा है लेकिन जो रेड है वो बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है कि वो रेड है, बिल्कुल ब्लैक लग रहा है वो भी, लेकिन अच्छा लग रहा था, और रेट इसका ज़्यादा नहीं था, सस्ता ही था, और इसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कहीं पे भी किसी भी तरीके से, आप इसे कोई और डिज़ाइन में भी लगा सकते हैं, एक जगह छोड़ इकट्ठे कर कर भी लगा सकते हैं, या जिस तरह मैंने इसको फैला के पूरे दीवार पर लगाया हुआ है इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इस टाइप से हैं इसमें सारे के सारे। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, अगर इससे रिलेटेड आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो आप पूरी दीवार का देख सकते हैं, एक बार लुक देखिए कैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वॉलपेपर लगाओगे तो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप इस तरह से भी लगाकर अपने घर को अपनी दीवारों को सुंदर बना सकते हैं। और देखिए कुछ वॉलपेपर की छोटी छोटी क्लिपिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको इनसे रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, अगर आप कोई अनबॉक्सिंग चाहते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।